के और विषय है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। आगे है रीड थ्री, ट्रैक है 19 और आगे था कि प्रश्नावलियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, और पहला ए बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली, बी है खुली प्रश्नावली, तीसरा है सी है चित्रित प्रश्नावली, और चौथा है डी है मिश्रित प्रश्नावली। तो पहला ए बंद या फिर प्रतिबंधित प्रश्नावली में इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर केवल हाँ या नहीं में देने होते हैं, और बी है खुली प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में उत्तर वाक्यों के रूप में भी पूरे लिखने होते हैं, और सी है चित्रित प्रश्नावली, इस चित्र में इसमें प्रश्नों के समक्ष कुछ चित्र दिए रहते हैं और व्यक्ति को संबंधित प्रश्न का उत्तर उसके सामने दिए गए चित्रों में से किसी पर भी निशान लगा करके देना होता है। फिर डी है मिश्रित प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में पूर्व वर्णित तीनों प्रकार की प्रश्नावलियां का मिश्रण भी होता है। अब तीसरा साक्षात्कार विधि, यह व्यक्तित्व परीक्षण के सर्वाधिक मान्य एवं सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है, और नौकरियों में भर्ती हेतु इस रीति का प्रयोग भी सर्वमान्य एवं सर्वाधिक है, और यह व्यक्तित्व मापन की मौखिक विधि है, और इस विधि में परीक्षक गण अपने समक्ष बैठे परीक्षार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और परीक्षार्थी द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर भी, उत्तर देने के ढंग, हाव भाव, बैठने और तौर तरीकों आदि के आधार पर भी परीक्षक उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, और इस विधि द्वारा व्यक्ति की निश्चित कार्य संबंधी दक्षता, बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, हाजिरी, जवाबी और तुरंत निर्णय क्षमता आदि व्यक्तित्व गुणों की भी जांच की जाती है, और साक्षात औपचारिक एवं अनौपचारिक स्वरूप के होते हैं हो सकते हैं। और चौथा है आत्मकथा लेखन विधि, में व्यक्तित्व मापन की इस विधि के परीक्षार्थी को एक शीर्षक दे दिया जाता है तथा उसे उस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए अपने व्यक्तित्व जीवन का इतिहास व्रत लिखने का कहा जाता है, और इसके लेखन के आधार पर भी उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का आकलन भी किया जाता है। फिर पांचवा निष्पत्ति परीक्षण विधि, में इसमें हार्टशॉर्न द्वारा प्रतिपादित विधि में परीक्षार्थी को कुछ कार्य देकर के उसकी निष्पत्ति के आधार पर भी उसके व्यक्तित्व के गुणों का भी परीक्षण किया जाता है, और इसे व्यवहार परीक्षण विधि भी कहा जाता है। और अन्य विधियां समाज मिति विधि, निरीक्षण विधि और परिस्थिति निरीक्षण परीक्षण विधि, हस्ते रेखा एवं हस्तलेख विधि, साधारण मान स्केल विधि है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रविधियां में इसके अंतर्गत ही व्यक्ति जो है व्यक्तित्व सूचियां आती हैं, और ये जो कि व्यक्ति के गुणशील गुण का मापन भी करती हैं, और ये सूचियां या तो एक विमा या फिर बहुविमा सूचियां होती हैं, और ये सूचियां व्यक्तित्व मापन का भी उत्तम साधन होती हैं। और फिर तीसरा प्रेक्षेपण प्रविधियां, और इसमें व्यक्ति के अचेतन मन की विविध दमित इच्छाओं का भी प्रेक्षण किया जाता है, और जैसे कि रोसरा का स्याही धब्बा परीक्षण मार्गन व मुर्रे का टी ए टी आदि, और फिर विभिन्न परीक्षापण विधियां, रोसरा द्वारा स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉन्ट टेस्ट, इसका निर्माण भी हरमन रोसरा स्विट्जरलैंड ने 1921 में किया था, और इसमें स्याही के धब्बों के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें कि 5 पूर्णतः काले और 2 काले एवं लाल तथा शेष 3 अनेक रंगों के होते हैं। और इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन हेतु भी छात्र के सामने भी सभी कार्ड निश्चित अंतर पर एक एक करके भी रखे जाते हैं तथा उन पर उसकी प्रतिक्रिया भी ली जाती है, और निश्चित समय बाद ये कार्ड उन्हें उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उसने जो भी पहली बार देखा था उसका स्थान पूछा जाता है। इस परीक्षण से व्यक्ति के क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञात्मक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। फिर भी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या फिर कक्षा प्रसंग परीक्षण ATAT, इसका निर्माण भी 1935 में मुर्रे तथा मार्गन ने किया था, और इस परीक्षण में मुर्रे ने 30 चित्रों के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया, और इस परीक्षण में छात्र के एक एक चित्र देख करके उसके आधार पर भी निर्धारित समय से में एक कहानी लिखवाई थी और जाती है, और छात्र चित्रण के आधार पर अपना एकीकरण पात्रों से भी कर अपने व्यक्तित्व की कई विशिष्टताओं का भी उल्लेख कहानी में कर देते हैं। इस परीक्षण से व्यक्ति की प्रवृत्तियां, रुचियां, इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। सी है बालक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रत्यय परीक्षण CAT, इसका निर्माण भी 1948 में लियोपोल्ड बेलक ने किया था, और ये बच्चों के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भी उपयुक्त है। इसमें प्रायः जानवरों के 10 चित्र होते हैं, और बेलक ने 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के व्यक्तित्व का भी मापन किया। फिर है डी खेल तथा ड्रामा विधि, इसके निर्माता जे एल मोरेनो थे, और इस विधि में व्यक्ति अपनी भावनाओं का भी स्वतंत्रतापूर्वक प्रदर्शन कर सकता है। फिर है ई वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसका निर्माण भी पाइन तथा टेंडलर ने 1930 में किया था, और ये व्यक्ति के गुणों का भी बोध कराता है। यहाँ व्यक्तित्व सूचियाँ दे रखी हैं, रॉबर्ट वुडवर्थ व्यक्तित्व प्रदत्त सूची, गूस कैलिफोर्निया मनोवैज्ञानिक सूची, एडवर्ड्स यानी ईपी शेड्यूल्स
शेड्यूल और पोर्टर बालक व्यक्तित्व प्रश्नावली, कपूर 16 व्यक्तित्व कार्यक प्रश्नावली, आल पोर्ट प्रतिभा प्रभाविता अधीनता सूची और डार्ले एवं मेकन मिनसोटा व्यक्तित्व मापनी और थर्स्टन यानी संभाव सूचियाँ। अन्य विधियों में निरीक्षण अवलोकन विधि है और दूसरा है स्वतंत्र संपर्क विधि, तीसरा मनोविश्लेषणात्मक विधि और चौथा है समाज मिति विधि और पांचवा है शारीरिक परीक्षण विधि। व्यक्तित्व और समायोजन सूचियों में प्रमोद कुमार की समायोजन सूची और मिनसोटा बहुविधि व्यक्तित्व सूची, सक्सेना की व्यक्तित्व परक प्रश्नावली, बर्टायटर की व्यक्तित्व सूची, रोजर्स की समायोजन सूची और आल पोर्ट का एएस प्रतिक्रिया अध्ययन, बेल की समायोजन सूची, फिर कॉनर्स सूचक और सिंह एवं सिन्हा की समायोजन सूची और फ्रायड हेड ब्रेकडर का अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण और वुडवर्थ का व्यक्तित्व और तथ्यपरक त्रक। अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में व्यक्तित्व के प्रासंगिक बोध परीक्षण में भी कुल 30 कार्ड होते हैं, जिसमें कि उत्तर है इसका 10 महिलाओं, 10 पुरुषों एवं 10 दोनों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रायड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि कहलाती है, उत्तर है इसका मनोविश्लेषण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है चार्टर एंड पर्सनलिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, उत्तर है इसका पर करेक्टर एंड पर्सनलिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, उत्तर है इसका वुडवर्थ। और नेक्स्ट है प्रश्न, प्रक्षेपण विधियों में रोर्सा इंक प्लॉट टेस्ट का निर्माण किया था, उत्तर है इसका हरमंस रोर्सा ने। जैसे वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के सील गुणों की संख्या कितनी बताई है, उत्तर है इसका 12। नेक्स्ट है हिप्पोक्रेटस के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, उत्तर है इसका संवेग यानी स्वभाव के आधार पर। नेक्स्ट है शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, उत्तर है क्रेस्मर एवं सेल्डन। जैसे टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, उत्तर है इसका बुद्धि लब्धि का। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, उत्तर है इसका एडलर। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, उत्तर है इसका कल्पना एवं विचार शक्ति। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया था, उत्तर है इसका विलियम जेम्स ने। और नेक्स्ट प्रश्न, आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि वाला व्यक्तित्व होता है, उत्तर है इसका अंतर्मुखी का। नेक्स्ट है साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है, व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संवर्ग में यह कथन किसका था, उत्तर है इसका वुडवर्थ का। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं देने में होते हैं तो यह कहलाती है, उत्तर है इसका बंद प्रश्नावली। जैसे व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित मनो शारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है तो उसके वातावरण के साथ में अनोखे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व ये परिभाषा किसकी है, उत्तर है इसका आलपोर्ट की। ऐसे किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहारों का संपूर्ण चित्र होता है, उत्तर है इसका डेसिल का। ऐसे व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है, उत्तर है इसका क्रियात्मक पहलू। नेक्स्ट है निम्न में से व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, उत्तर है बहिर्मुखी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से कराया जाता है, उत्तर है मानदंड मूल्यांकन विधि। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की किस विधि में व्यक्ति को चित्र दिखाकर के उसके आधार पर लिखी गई कहानी के विश्लेषण द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, उत्तर है इसका प्रक्षेपण विधि। और नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तित्वों से भी पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है, उत्तर है इसका समाज मिति। नेक्स्ट है विशेषताएं इसकी, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है विशेषता और व्यक्तित्व। पहला ए, इसमें मैं उत्तर दे रखा है, इसमें सीधा नेतृत्व सर राजनीतिक एवं सामाजिक प्रवृत्ति वाला, इसका सही उत्तर आएगा बहिर्मुखी। पहले चिंतित स्वभाव वाला, इसका आएगा अंतर्मुखी। और जिस व्यक्ति की गुण ना हो तो अधिक तीव्र हो ना ही एकांगी हो, उसका आएगा उभयमुखी। और चौथा डी है आवश्यकता अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन कर लेने वाला, यह बहिर्मुखी कहलाएगा। अभी बाल्यावस्था से बालक का व्यक्तित्व होता है, उत्तर है इसका बहिर्मुखी। ऐसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, उत्तर है इसका स्वयं अपने में। दैट्स ऑल। अब है नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक बुद्धि। पशुओं की तुलना में मनुष्य को कोई ज्ञानात्मक योग्यता से संपन्न माना जाता है और जो उसे विवेकशील प्राणी बनाती है, और वह तर्क कर सकता है और भेद कर सकता है, समझ सकता है और नई स्थिति का सामना भी कर सकता है। निश्चित रूप से वह पशुओं से श्रेष्ठ है और इसका कारण बुद्धि है। प्राय उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है जो कि जीवन की सामान्य स्थितियों का सामना करने में सफल हो। और बुद्धि में अनेक तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से बुद्धि की परिभाषा दी है और कुछ परिभाषाएं निम्न है। पहले तो बैग
नन के अनुसार अपेक्षाकृत नई वह परिवर्तित स्थिति को समझने और उसके अनुसार ही समायोजित करने की योग्यता बुद्धि है। वैगनर ने के अनुसार ही अपेक्षाकृत नई वह परिवर्तित स्थितियों को समझने और उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि है। डेविड बैक्सलर ने के अनुसार ही बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसमें के द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से भी सामना करता है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से बुद्धि की निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे पहला बुद्धि सीखने की योग्यता, फिर है यह विवेकशील व अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह नवीन स्थितियों में समायोजन की योग्यता है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग भी होती है और बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी भी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। और इतना ही नहीं, किसी भी समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का मिलाव वह इस बुद्धि के कारण ही उठा पाता है। बुद्धि के सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। इस प्रकार से बुद्धि के व्यक्तित्व की वे मानसिक और ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं जो कि उसे जीवन के वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती हैं और उनके आनंदपूर्ण व संतुष्ट जीवन यापन में सहायता भी करती हैं। बुद्धि की प्रकृति है, ये जीवन की अनेक जटिल तथा नवीन समस्याओं को सरल बनाती हैं और यह वंशानुक्रम पर अधिक निर्भर करती हैं, अर्थात ये जन्मजात शक्ति हैं और यह सत्य असत्य भले बुरे नैतिक अनैतिक कार्यों में भेद करने की भी क्षमता प्रदान करती हैं। बालक बालिकाओं की बुद्धि में विशेष अंतर नहीं होता है। बुद्धि का विकास जन्म के लेकर के किशोरावस्था तक होता है। ये अपूर्व अनुभव से लाभ उठाने की भी क्षमता प्रदान करती है और ये विभिन्न तथ्यों को सीखने में मदद करती है। ये जटिल तथा नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने में कुशलता प्रदान करती है और यह अमूर्त चिंतन के लिए भी योग्यता प्रदान करती है। फिर बुद्धि के प्रकार, गैरिट के अनुसार बुद्धि के प्रकार निम्न है। पहला तो मूर्त बुद्धि, इसे गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है और जिस व्यक्ति में ये बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है और इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे इंजीनियर मैकेनिक कारीगर होते हैं। दूसरा अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है और जिस व्यक्ति में ये बुद्धि होती है वह ज्ञान अर्जित करने में विशेष रुचि लेता है और इस बुद्धि में व्यक्ति डॉक्टर, चित्रकार, साहित्यकार, वकील आदि होते हैं। तीसरा सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का भी संबंध व्यक्ति के और सामाजिक कार्यों में होता है और जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव संबंधों के ज्ञान की परिपूर्ण होता है और इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। फिर थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार निम्न है। इसमें पहला तो है अमूर्त बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि में शब्द, अंक एवं प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया जाता है और ये पठन की सीखने तथा उन समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया है जिसमें कि शब्द एवं प्रतीकों का प्रयोग भी किया जाता है और यह बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए भी प्रयोग की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी वस्तु को पहचानता वह समझता है। बुद्धिमान की निशानी यह होती है कि व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु को किस प्रकार से ग्रहण करता है और बुद्धि का यह पक्ष व्यक्ति की अभिवृत्ति की ओर भी संकेत करता है। अमूर्त बुद्धि का परीक्षण निम्न तीन प्रकारों से किया जा सकता है। तो यह आकांक्षा का स्तर, व्यक्ति की आकांक्षा के स्तर के मापन से उस व्यक्ति की अमूर्त बुद्धि का पता चलता है। जिस व्यक्ति की आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा उसकी अमूर्त बुद्धि भी उतनी ही तीव्र होगी। फिर वह विभिन्न प्रकार के कार्य करना, जो व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करते हैं उनके अनेक कार्यों के करने की भी क्षमता में अमूर्त बुद्धि के विषय में जाना जा सकता है। फिर ऐसे कार्य करने की गति, जो व्यक्ति अमूर्त कार्यों को जितना अधिक गति से करता है उसकी अमूर्त बुद्धि उसी के अनुसार काम कम या फिर अधिक होगी। फिर सामाजिक बुद्धि में, सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्ति की उस वह योग्यता है जो कि समाज में समायोजन की क्षमता उत्पन्न करती है। इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत व्यवहार कौशल, व्यक्तित्व और चरित्र आते हैं और स्वभाव, मन स्थिति, मनोवृत्ति, ईमानदारी, निर्णय, हास्य आदि कारक भी सामाजिक बुद्धि की ओर ही संकेत करते हैं। यांत्रिक या फिर गत्यात्मक बुद्धि में वस्तु को समझने और उसके अनुरूप क्रिया करने में यांत्रिक बुद्धि का भी उपयोग किया जाता है। इसे मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है और इस प्रकार की बुद्धि उन परिस्थितियों में कार्य करती है जिनमें कि वस्तु या फिर उद्देश्य निहित होता है और मूर्त बुद्धि के परीक्षणों में आमतौर पर ऐसे परीक्षण बनाए गए हैं जिनमें कि यंत्रों का एकीकरण करना पड़ता है और मिनेसोटा असेंबलिंग टेस्ट, स्टेनकिस्ट टेस्ट आदि उसके प्रसिद्ध परीक्षण है। फिर स्टेनबर्ग एवं ऐसे संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था और किया और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तीन मुख्य प्रकार होते हैं। एक तो संदर्भात्मक बुद्धि, इसे अनुभवजन्य बुद्धि तथा घटीय बुद्धि। संदर्भात्मक
संदर्भात्मक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, और यह ऐसी बुद्धि होती है जो कि व्यक्ति में व्यवहारिक सूझबूझ उत्पन्न करने के लिए भी साथ साथ ही विपरीत परिस्थितियों में उत्तम समायोजन में मदद करती है। अनुभवजन्य बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है, और यह व्यक्ति में असाधारण सूझ तथा नए नए विचारों को जन्म देने की क्षमता होती है। अधिकतर वैज्ञानिकों एवं अन्वेषणकर्ताओं में इस बुद्धि की प्रबलता होती है। घटकीय बुद्धि को विशेषात्मक बुद्धि भी कहा जाता है, और यह ऐसी बुद्धि होती है जिनमें व्यक्ति आलोचनात्मक ढंग से तथा विश्लेषणात्मक ढंग से मैं सोच पाता है। ऐसी क्षमता अधिक रहने पर शैक्षिक अंतर शक्ति भी अधिक होती है।